मुख्यमंत्री के सोलन दौरे को लेकर सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने 12 योजनाओं की घोषणाएं कर सोलन की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 12 योजनाओं में से करीब 7 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिसका पैसा भी आ चुका है और ये योजनाएं लगभग पूरी होने वाली हैं। लेकिन ऐसी योजनाओं का श्रेय लेने के लिए गलत घोषणा करना प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि अगर वह इन योजनाओं पर कुछ अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाते तो हम उस घोषणा का स्वागत करते। वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पार्टी पॉलिटिक्स से काफी ऊपर है, लेकिन वह सोलन में आयोजित कार्यक्रमों में इस प्रकार हिस्सा ले रहे थे जैसे कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में हों। यही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष का नाम उद्घाटन पट्टिकाओं में लिखा गया, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि उनका और सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष का नाम उद्घाटन पट्टिकाओं में लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि उचित नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में भाजपा के उद्घाटनों को लेकर एक नई परंपरा का आरंभ किया गया, जिसमें नियमों की अवहेलना कर अपने नेताओं को खुश करने के लिए उनके नाम उद्घाटन पट्टिकाओं पर लगाए जा रहे हैं। ये आरोप सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने भाजपा पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल एक गरिमा में पद पर विराजमान है, लेकिन वह उस पद की गरिमा को बना नहीं पा रहे हैं और वह राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल अशोभनीय है। धनीराम शांडिल ने कहा कि जिस क्षेत्र में भी उद्घाटन हो, उस क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का नाम उद्घाटन पट्टिका में अवश्य होना चाहिए। डॉक्टर राजीव बिंदल जी माननीय हमारे अध्यक्ष हैं, उनका इस प्रकार, वैसे तो वो देखा जाए पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर हैं और पार्टी पॉलिटिक्स या पार्टी की गतिविधियों में कहीं ना कहीं बड़े ही गिने चुने स्थानों पर या बड़े जो बड़ी सम्मान युक्त जगह होती है वहीं पर उनका होना अच्छा लगता है, परंतु वो थ्रू आउट वैसे रहे जैसे मानो नाहन क्षेत्रीय हो। यहाँ पे उनका बोर्ड से नाम कहीं पे भी लिखना यथाचित नहीं था और ना ही लिखना चाहिए था। मैंने भी शायद अंदाजा लगाया था कि कहीं ना कहीं शायद मेरा नाम भी आ जाएगा, बिकॉज मैं भी यहाँ का चुनाव प्रतिनिधित्व हूँ, विधायक हूँ। उन लोगों ने गिने चुने अपने ही लोगों का, अपने ही मंत्रियों का और अपने यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष महोदय का भी नाम बोर्ड्स पे लगाया। मैं चुना हूँ और एक कॉरपोरेशन के हमारे चेयरपर्सन होते हैं। मेरा मानना था कि शायद इन दो का नाम भी इन जगहों पे होता तो अच्छा लगता। मैं समझता हूँ कि जैसे शांति बाईपास की कुछ एक धनराशि कही गई, वो जब तक तो या तो एडिशनल अमाउंट कहा होता तो ठीक था। वो उसके अलावा जो स्कूल है घटी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें भी कंपोनेंट प्लान से तकरीबन 3.5 करोड़ आसपास धन पहले दिया हुआ है। उन जगहों पे धन को अनाउंस करना, मैं समझता हूँ वो तो एक पुरानी योजना है।